नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। हम उनकी उपस्थिति को रेखांकित करते हैं, उनकी खुशियों को हम दिल से नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस बार राज्य उत्सव कार्यक्रम शहर के अंदर मौजूद साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित है। इसके पहले नया रायपुर में आयोजित किया जाता था। वहां बड़ी जगह उपलब्ध होने की वजह से कार्यक्रम का स्वरूप भी विशाल होता था। राज्य निर्माण के शुरुआती दौर में यह कार्यक्रम साइंस कॉलेज मैदान में ही आयोजित किया जाता था। तब मैदान काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर एक ऑडिटोरियम का निर्माण, खेल भवन और हॉकी के लिए टर्फ मैदान का निर्माण हो चुका है, जिसकी वजह से जगह पहले से काफ़ी छोटी हो चुकी है। इस बार राज्य उत्सव में काफ़ी कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। पोस्टर से छत्तीसगढ़ के निर्माता स्वर्गीय अटल जी, जिसका सम्मान स्वयं कांग्रेस के नेता करते हैं, वे नज़र नहीं आए। पोस्टर में अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के आने के पोस्टर शहर भर में नज़र आ जाएंगे, लेकिन वे नहीं आ सकी। मुख्य मंच पर जो पोस्टर है उसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चेहरे का औचित्य नए राज्य के लिए क्या है यह समस्या दूर है। ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे भाजपा के पुराने पद चिन्हों को अभी साफ कर नए पद चिन्ह बनाए जा रहे हैं। राज्य उत्सव के 3 दिनों के इस कार्यक्रम का पहला दिन नेताओं के लिए भले ही उत्साह भरा नज़र आया, लेकिन जनता का उत्साह कम ही नज़र आया। पुराने जगह पर कार्यक्रम के आयोजन के प्रचार की कमी और त्योहारी सीजन भी कम भीड़ का कारण हो सकती है। नए रायपुर में लोगों की काफ़ी भीड़ और कार्यक्रम में नामचीन हस्तियों का आगमन भी आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन इस बार प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को भी प्रदर्शन का मौका नहीं मिला है। ऐसे में राज्य उत्सव का फीकापन साफ नज़र आ रहा है। कांग्रेस के दौर का यह पहला राज्य उत्सव कार्यक्रम है जिसमें यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि फिलहाल पार्टी अपना रंग जमाने का प्रयास कर रही है। आने वाले समय में हो सकता है राज्य उत्सव का रंग देखने को मिले, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।